सेक्रेटरी के रूम में घुसते हुए हम लोग बहुत डर रहे थे। हमें तो अभी सर्विसेज ज्वाइन किए हुए सिर्फ 2.5 साल हुए थे, जिसमें 2 साल अपनी फाउंडेशन ट्रेनिंग में निकल गए, सर्विस ट्रेनिंग में निकल गए, और फिर 4-5 महीने पहले ही पोस्टिंग हुई थी। तो फिर भी डरते डरते घुसे, क्योंकि अपने मन में एक बड़ा सवाल था। जब हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम देके सिलेक्ट होके आते हैं तो हमें लगता है कि अब हम सिलेक्ट हो गए, हमें सर्विस मिल गई, बस अब कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, कॉम्पिटिशन वहां जाके फिर से शुरू हो जाता है। कई बार कॉम्पिटिशन होता है कौन सी पोस्टिंग मिलेगी, किस शहर में मिलेगी, किस मिनिस्टर के साथ हम काम करेंगे, किस डिपार्टमेंट में हम काम करेंगे, बहुत सारी चीजें होती जिसका कॉम्पिटिशन वहां जाके पता चलता है कि ये भी एक कॉम्पिटिशन है। तो आज की जो मीटिंग थी वो हमारी इसीलिए थी कि हम सेक्रेटरी से पूछने जा रहे थे कि भाई हम किस चीज पर फोकस करें, किस तरह से अपना सर्विस करियर आगे बढ़ाएं। तो पहुंच गए, जो सोच सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सेक्रेटरी होता है तो सीनियर मोस्ट पोजीशन होती है। हम तो अभी प्रोबेशन करके निकले हुए, डरते डरते खैर उन्होंने बहुत प्यार मोहब्बत से बिठाया, पूछा भाई क्या जानना चाहते हो। तो हमने कहा कि भाई हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ आके पता चल रहा है कि भाई बहुत तरीके की और भाग दौड़ है, बहुत तरीके की और एक कहना चाहिए कॉम्पिटिशन है, कि क्या करें, किस चीज पे फोकस करें जो हमारा करियर अच्छा चले, इतने बड़े एग्जाम सेलेक्ट होकर आए हैं, तो किस चीज को हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, स्टेटस को, पावर को, पोजीशन को, लोकेशन को, क्या। तो बड़े ध्यान से उन्होंने हमारी बात सुनी, फिर बोले कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो तुम लोग ये कह रहे हो कि हम किस चीज के पीछे भागें। अभी तक तो तुम लोग सिविल सर्विसेज के एग्जाम के पीछे भाग रहे थे, वही क्लियर करना है, बात समझ में आती है। अब तुम ज्वाइन करने के बाद पूछ रहे हो किस चीज के पीछे भागे हम। तो मेरा बहुत एक सिंपल सा जवाब है, और उन्होंने जो कहा वो मुझे आज तक याद है, क्योंकि मुझे लगा कि वो सिर्फ उस सिचुएशन में नहीं बल्कि जिंदगी की हर सिचुएशन में काम आने वाली बात थी। मतलब 5 मिनट में वो ज्ञान मिल गया जो 100 साल में भी नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि तुम किसी चीज के पीछे मत भागो, तो किसी चीज के पीछे मत भागो, तुम जो काम तुम्हें असाइन किया गया है, जो पोर्टफोलियो तुम्हें दिया गया है, उसमें एक्सेलेंस के पीछे भागो। बस उसके बाद जब तुम एक्सेलेंस के पीछे भागोगे, एक्सेलेंस पा लोगे, तो पावर, स्टेटस, अच्छी पोजीशन, अच्छी पोस्टिंग सब तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे, सब तुम्हारे पीछे भागेंगे। तो सोच लो कि तुम क्या चाहते हो, तुम वो बनना चाहते हो जो चीजों के पीछे भागे, या तुम वो बनना चाहते हो जिसके पीछे चीजें भागे। तो उन्होंने बोला कि बस आज की मीटिंग इतनी ही है, अब तुम लोग जाओ और जो मैंने बताया भागना है तो काम की एक्सेलेंस पे भागो। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो बात है जब तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तब भी लागू होती है, एक्सेलेंस के पीछे भागो। जब जॉब कर रहे हो तब भी लागू होती है, एक्सेलेंस के पीछे भागो। कोई और काम कर रहे हो, राइटिंग करते हो, कोई और तुम्हारा पैशन है, हॉबी, एक्सेलेंस के पीछे भागो, बाकी सारी चीजें फिर तुम्हारे पीछे खुद ही भागेंगी। नेक्स्ट एपिसोड में मैं और लाऊंगी ऐसी ही कोई कहानी, ऐसी ही कोई ऑफिस इंसिडेंट जिससे आप भी कुछ सीखेंगे, और जो सीख होती है ना वो जितनी जल्दी मिल जाए उतना ही बड़ा लाभ होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगर तुम ये चीज मिस कर दोगे तो तुम्हें वो नहीं पता चलेगा कि ऑफिस के अंदर क्या होता है, वही पता चलेगा जो बताते हैं लोग बाहर से देखकर। नमस्कार, बाय बाय।